सो हेलो गाइज़, नमस्कार। मैं हूं शुभम और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज MCQ का जो पेपर हुआ था 8 सितंबर को, उसका मैं आपको पूरा आंसर की देने वाला हूं। मतलब सारे आंसर आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अपने आंसर जो भी लगाया होगा उसे इस वीडियो से मिलाइएगा और अपने मार्क्स आप इससे पता कर पाओगे कितना आप मार्क्स पा सकते हो AKTU के एग्ज़ाम में। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे जो पहला प्रश्न था इसमें पूछा गया था कि विच मिनिस्ट्री ऑफ मेनली रिस्पॉन्सिबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसमें जो भी चीज़ें थी, मतलब इसका आंसर आपको बी था इसका, तो जो भी आप लोग लगाए होगे तो यही आपका सही होगा। ओके, और इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा वेयर इज़ द फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल्ड इन एशिया। ठीक है, तो यहाँ पर असम जो है, अपने इंडिया का असम, वही जो है जहाँ पर फर्स्ट ड्रिल किया गया था ऑयल के लिए। ओके, और यहाँ पे थर्ड जो आपका क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज़ नॉट क्लासिफाइड अंडर द फॉसियल फ्यूल। तो न्यूक्लियर एनर्जी को फॉसियल फ्यूल के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर। इसके अलावा यहाँ पर देखिए फोर्थ जो क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फर्स्ट 100% सोलर पावर एयरपोर्ट लोकेटेड। तो ये पता ही आपको, कोचीन, केरला। तो ये सारे क्वेश्चन तो आई होप आपको पता ही होंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि सैंड फाउंड्री वेबसाइट से मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें उठाए गए थे। ओके, तो गाइज यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, द सोलर सेल इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ लाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर देखिए फोटोवोल्टिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने आई होप सही किया होगा। इसके अलावा यहाँ पे बॉइलिंग वाटर रिएक्टर एंड द प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। तो इसका आंसर है दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, कई लोग OTEC लगाए होंगे, तो ये गलत आंसर है दोस्तों। आप गूगल पे से चेक कर सकते हैं, मैं सारे आंसर को मैंने गूगल से वेरीफाई किया है। ओके, तो यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर जो है फोर्थ नंबर डी ऑप्शन ये सही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन टू अर्थ। तो इसका ऑप्शन ए 1.5×10⁸ किलोमीटर। ओके, तो ये डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस सन और अर्थ की। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था द फ्यूल सेल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या बर्न करता है? हाइड्रोजन बर्न करता है। ओके, तो यहाँ पे नाइन्थ क्वेश्चन आपका था द प्रोसेस दैट कन्वर्ट द सॉलिड कोल इंटू लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल इज कॉल्ड। तो यहाँ पे इसका फोर्थ ऑप्शन जो था वही ऑप्शन सही था। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा टेंथ जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही था। ओके, सो गाइस यहाँ पे 11वां नंबर जो क्वेश्चन है, द होल ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम वेयर द स्ट्रीम फ्रॉम द अर्थ कम आउट इज कॉल्ड। तो इसको फ्यूमारोल्स बोलते हैं। ये भी आपको आई होप पता ही होगा, आपने सही किया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द टाइम पीरियड फॉर वन टाइड अकर इन अ डे। तो यहाँ पे 6 आवर 12.5 मिनट्स। ओके, तो ये आपका आंसर था ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो गाइज़ ये जो था ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला था, तो आपको बता दें इसका आंसर ए है। ठीक है, तो 14 नंबर जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था ऑन व्हाट इज टू पुल टाइडल सिस्टम इज लेस डिपेंडेंट। तो यहाँ टाइडल फ्लैक्चुएशन जो है आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, इसके अलावा जो 15वां आपका क्वेश्चन था रिफ्लेक्टर मिरर्स यूज्ड फॉर एक्सप्लॉइटिंग द सोलर एनर्जी इज कॉल्ड हेलियोस्टाट। तो आई होप आपने ये चीज़ सही जरूर की होगी, हेलियोस्टाट। ठीक है, ये उसी वेबसाइट से था, सैंड फाउंड्री से ही क्वेश्चन। द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा है। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। जो 16 नंबर वाला आपका क्वेश्चन है, ये आपको नॉर्मली आप सर्च करोगे गूगल पर मिलेगा नहीं, काफ़ी मुश्किल से मैंने इसे ढूंढा। तो गाइज इसका आंसर था आपका ये देखिए लास्ट वाला 1 और 3। ठीक है, तो अभी आप लोग ये क्वेश्चन एक बार पढ़ के देख लीजिएगा आपने क्या इस पे लगाया था। ओके, तो ये था आपका 16 नंबर। इसके अलावा 17 नंबर जो आपका क्वेश्चन है द कलेक्शन इफिशियंसी ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है आपका सही है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे जो आपसे 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें आपको बताना था कि कौन कौन सा सही है। तो गाइस यहाँ पर देखिए पहला जो था इनकमिंग सोलर रेडिएशन ऑन अर्थ इज नोन एज इंसुलेशन। तो ये ऑप्शन सही था। इसके बाद द फर्देस्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम सन इज़ 152 मिलियन किलोमीटर ऑन 4 जुलाई। ठीक है, यही दो ऑप्शन सही थे, बाकी थर्ड ऑप्शन सही नहीं था। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही था। तो जितने लोग इसे लगाए होंगे उनका सही होगा। सो गाइज़ यहाँ पे 19 नंबर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ दीज फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन इंसुलेशन। तो गाइज़ इसमें जो ऑप्शन वन है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज, तो ये ऑप्शन सही है। इसके अलावा द लेंथ ऑफ द डे, ये भी सही है। और इसके अलावा द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड, यानी ये तीनों सही हैं। तो गाइज़ इसका आंसर जो था वो सी था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर जो आपका क्वेश्चन है मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ सोलर कलेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय पैराबोलॉइड डिस्क कलेक्टर। ओके, तो ये इसका आंसर था। इसके अलावा दोस्तों ये 21 नंबर जो क्वेश्चन था द फॉलोइंग लॉ ऑफ बैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो इसका आंसर आपका था बोथ ए एंड बी। ओके, तो ये भी चीज़ आप मिला लीजिएगा। और बाकी यहाँ पर देखिए दो दोस्तों जो ये है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन मार्च 31 इन अ लीप ईयर एट दिल्ली। तो दिल्ली में ये जो ऑप्शन ए था यही वाला ऑप्शन सही था आपका। इसके अलावा दोस्तों यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर जो पूछा गया था वो पूछा गया था जीनिथ एंगल इज एंगल मेड बाय सन रेज विद द किसके साथ, तो नॉर्मल टू आ हॉरिजेंटल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यही सही था। इसके अलावा दोस्तों 24 नंबर पूछा गया था द कैलकुलेट द हावर एंगल ऑफ 1:30 PM। ओके, तो यहाँ 12.5 जो है यही सही होगा। एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर है 13.5, तो मुझे लगता है ये बाय मिस्टेक ऐसा लिख दिया है 12.5, ये 13.5 होना चाहिए। तो आप ए अगर सही किए होगे, ये नज़दीकी पॉइंट है, तो इसलिए आपका यही सही होगा। ओके, तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 25 नंबर जो क्वेश्चन था द कंप्लीट जीनिथ एंगल इज सोलर एटीट्यूड एंगल। ओके, तो ये जो भी होगा आपका एल्टीट्यूड वाला सोलर एटीट्यूड, तो यही आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा देखिए दोस्तों 26 नंबर जो है फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ फ्लाई व्हील्स। ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ अबव आपका जो होगा वो सही होगा। ओके, और इसके अलावा दोस्तों दो व्हेन टू बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल इट शुड बी इंश्योर दैट, तो इसमें जो 27वें नंबर का जो आंसर है आपका दे हैव सेम EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही होगा। इसके अलावा दोस्तों नया 28 पूछा गया था द ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ द एनी स्टोरेज सेल डिपेंड होली अपॉन, तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 29 मैग्नेटोडायनेमिक पावर जनरेशन रिक्वायर्स, तो फिक्स्ड मैग्नेट्स। ठीक है, फिक्स्ड मैग्नेट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा फ्यूल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग अ रिएक्शन तो एलिमिनेट्स द कंबक्शन ऑफ फ्यूल। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें नहीं होती है, तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है आपका सही है। इन अ ड्राई स्ट्रीम हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट वी यूजेज रैंकाइन साइकिल। ठीक है, कई लोगों ने इसमें गलती की होगी मुझे पता है, और ये रैंकाइन साइकिल इसका आंसर है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए हाइड्रोथर्मल फ्लूइड आर इन नेचर किसका, यानी बोथ कोहेसिव एंड एब्रेसिव दोनों नेचर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, बोथ ए एंड बी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 33 नंबर द फ्यूल सेल इज कंसिडर्ड अ बैटरी इन विच, यहाँ पे बोथ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर, यानी सी ऑप्शन जो था इज कॉन्टीन्यूसली रिप्लेस्ड, यानी ये दोनों चीज़ें जो होती हैं रिप्लेस होती रहती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज शुड नॉट बी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल सेल इलेक्ट्रोड्स। ओके, तो ये तो आपको पता ही होगा टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी डी ऑप्शन जो था आपका इसका सही था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था 35 नंबर कि हाइड्रोकार्बन क्रैक्ड विथ स्ट्रीम इन फ्यूल सेल डू नॉट गिव्स राइज टू H2O। ओके, तो ये H2O जो इसका आंसर था 35 का। इसके अलावा 36 जो है विच ऑफ दी फ्यूल सेल ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर, तो मोल्टन कार्बन फ्यूल सेल जो होता है ये हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ जियो थर्मल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ अबव वाला ऑप्शन सही है। ओके, तो 38 नंबर जो आपका क्वेश्चन था फॉलोइंग प्लांट्स रन ऑन बाइनरी सर्कल, तो इसका ऑप्शन सी जो है लिक्विड डोमिनेटेड लो टेम्परेचर प्लांट्स ये इसका सही है। ओके, कई लोग इसमें ऑल ऑफ अबव लगाए होंगे, ये गलती किए होंगे। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं है, आपने गलती कर दी, अब तो ये ऑप्शन सी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर द विजिबल साइन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लेइंग इन अर्थ इंटीरियर। ठीक है, तो ऑल ऑफ अबव, तो मैक्सिमम जिसमें ऑल ऑफ अबव होता है गाइज उसका ऑल ऑफ अबव भी आंसर ही होता है, मगर कई जगह ऐसे होते हैं घुमा के क्वेश्चन जिसमें ऑल ऑफ अबव नहीं होता है, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, बहुत लोग आप लोग ऑल ऑफ अबव भी रट के गए होंगे। ठीक है, पढ़ना चाहिए क्वेश्चन आपको पहले। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 40 नंबर की बाइनरी जियोथर्मल पावर प्लांट द हॉट वाटर इज प्रेस्ड बाई सेकेंडरी फ्यूल फ्लूड विथ लेस बॉइलिंग पॉइंट, तो मतलब वाटर से कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। ठीक है, इसका मैक्सिमम लोग इसकी भी गलती किए होंगे, तो आप लोग मिला लीजिएगा अपने हिसाब से। तो यहाँ पे 41 नंबर जो है एनर्जी मीन्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू डू वर्क। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वर्किंग फ्लूइड इन क्लोज साइकिल MHD सिस्टम, तो इसका आंसर है दोस्तों हीलियम एंड आर्गन, मतलब ए जो ऑप्शन है ये सही है। इसके अलावा लिखा है 43 नंबर क्वेश्चन विच टाइप ऑफ विंड मिल आर टर्म्ड, तो यहाँ पर अगला इसका आंसर है दोस्तों वी वाला ऑप्शन वर्टिकल एक्सिस विंड मिल जो होते हैं ये आपके होते हैं क्रॉस विंड एक्सिस मशीन्स वाले। ठीक है, मतलब जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर ये आपका बी वाला है। ओके, गाइज यहाँ पे 44 नंबर द क्वेश्चन है आपका द पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम हॉट कैथोड सरफेस, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑप्शन नंबर डी यही सही है। इसके अलावा 45 जो आपका क्वेश्चन है, एट द रूम टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एस्केप मेटल सरफेस ड्यू टू, मतलब रूम टेम्परेचर पे जो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन फोर्स, यानी ए जो ऑप्शन है ये सही है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है द 46 नंबर द थर्मोनिक जनरेटर इज इसेंशियली विच काइंड ऑफ डिवाइस, तो लो वोल्टेज एंड हाई करंट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो था इसका सही था। और इसके अलावा 47 जो है आपका क्वेश्चन नंबर ऑपरेशन ऑफ थर्मोकपल इज गवर्न्ड बाय, तो यहाँ पे लोगों ने बहुत से लोगों ने यहाँ पे गलती की होगी, सी बैग पेल्टियर दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी आपको, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो था ऑल ऑफ द मेंशन्ड जो है यही आपका सही है, ठीक है, थर्मोकपल गवर्न होता है, ठीक है, ऑल ऑफ यानी तीनों से। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 द टोटल सी बैग इफेक्ट कैन बी फाउंड एज पार्सली पेल्टियर एंड पार्सली थम्सन इफेक्ट, ठीक है, तो ये जो है आपका थर्ड नंबर है आपका यही सही था, ओके। इसके अलावा जो यहाँ पर नेक्स्ट है कि डिसएडवांटेज ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है लो एफिशिएंसी 5 to 10%, तो ये आपका सही था। 50 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर यूज्ड टू टर्न विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसका आंसर है आपका टर्बाइन, ठीक है, तो ये भी आई होप सही किया होगा आप लोगों ने। यहाँ पे 51 नंबर जो क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द विंड एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है, क्यूब फैक्टर, ठीक है, क्यूब पावर, सॉरी फोर्थ जो ऑप्शन है आपका क्यूब पावर यही इसका आंसर है, ओके, तो आई होप आप लोग ने इसको भी सही किया होगा। यहाँ पे 52 जो है द विंड टर्बाइन क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है देखिए बी जो ऑप्शन है, विंड टर्बाइन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट द विंड काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ओके, तो विंड टर्बाइन का यही काम होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही था, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्सिंग द ग्लोबल विंड्स टूवर्ड्स वेस्टर्न डायरेक्शन, में कौन सा फोर्स जो है विंड को मजबूर करता है मतलब फ्लो होने के लिए, तो यहाँ पे कोरियोलिस जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ए वाला ये आपका सही है। इसके अलावा देखिए जो 54 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था, फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंड एनर्जी, तो इसका ऑल ऑफ अबव जो ऑप्शन है ये सही है। इसके अलावा 55 नंबर है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड एज अ थर्मोकपल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो इसका बोरान, आई होप आप लोगों ने इसको भी सही किया होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, ओके। और गाइज के अलावा यहाँ पे 56 नंबर पूछा गया है कि द विंड एनर्जी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाई, तो ब्यूरोफोर्ट नंबर जो है यही इसका आंसर है, ओके, तो आई होप आप लोगों ने इसको भी सही किया होगा। द डिफरेंस बिटवीन वाटर हाइट एट हाई टाइड एंड वाटर हाइट एट लो टाइड इज कॉल्ड टाइडल रेंज, यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ी कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन दिए गए थे, बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज हुए होंगे, हालांकि जो पढ़ के गया होगा उसे पता है कि टाइडल रेंज इसका आंसर है, ओके। तो यहाँ पे 58 जो क्वेश्चन नंबर है, द व्हाट टाइड ऑफ टाइड इज इट इज कॉल्ड व्हेन टू टाइड्स and two low tides, when two high tides and when two low tides of approximately equal size, तो इसका आंसर दोस्तों है सेमी ड्यूरनल टाइड्स, ओके, यानी ऑप्शन नंबर डी जो था इसका सही था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था ओशियन थर्मल एनर्जी कॉन्सेप्ट वाज प्रोड्यूस इन 1881 बाई, तो यह इसका नंबर ऑप्शन था डी आर्सन वल, ठीक है, जो पहला है आपका यही आपका सही था, ए वाला। इसके अलावा द फर्स्ट ओटेक प्लांट इज कंस्ट्रक्टेड 1913, ओके, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही था। इसके अलावा 61 नंबर है द क्लोज्ड ओटेक साइकिल द वर्किंग फ्लूइड इज प्रोपेन, ओके, प्रोपेन इसका आंसर था, ऑप्शन नंबर ए। या 62 नंबर जो आपका है द ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन इज यूजेज, तो टेम्परेचर डिफरेंस का यूज़ करके मतलब जो ओशियन थर्मल एनर्जी है वो काम करती है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही था, ओके। तो यहाँ पर देखिए जो 63 नंबर जो है द ओपन सर्कल ओटेक सिस्टम प्रोड्यूसेस डीसैलिनेटेड वाटर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका नंबर ए वाला जो है सही होगा, तो इसका आई होप आप लोगों ने इसको भी सही किया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 64 नंबर द ओटेक द हीट एक्सचेंजर तो कंडेंसेस द वेपर इंटू अ लिक्विड विच इज़ रिसाइकल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही था, ओके, 64 का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे वेव आर कास्ट इनडायरेक्टली बाय सोलर एनर्जी, तो आई होप आप लोगों ने इसे भी सही किया होगा। और टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन विथ अर्थ, ओके, तो 66 का जो आंसर था वो डी था, आई होप आप लोगों ने इसे भी सही किया होगा। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीप टाइड्स अकर व्हेन द अर्थ सन एंड मून फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो गाइज़ ये बहुत से लोगों ने गड़बड़ किया होगा, हालांकि मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपने अगर सही किया तो अच्छी बात है, आप लोग मिला लीजिएगा इसे। 90 डिग्री यानी ऑप्शन बी से इसका सही है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 68 वाला कि टाइडल एनर्जी यूटिलाइजेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। ओके, टाइडल मतलब रिलेटेड ही है सी से, तो मतलब इसका मतलब है ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका सही होगा। गाइज यहाँ पे कई लोग बोथ लगाए होंगे ए एंड बी, तो खैर वो ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन बी ही सही है। तो गाइज यहाँ पे 69 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, एनारोबिक फॉर्मेंटेशन इज़ हाउ मेनी स्टेजेस, तो इसका आंसर जो है गाइज 4 स्टेजेस है। ठीक है, आप इसे गूगल करके देख सकते हैं, कई लोग इसे 2 मानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों 4। ओके, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही था। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज़ द मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एनारोबिक फॉर्मेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है 32 से 35 तक यही आपका सही था। तो गाइज ये था रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का पूरा सोल्यूशन आंसर की। अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपना आंसर मिला पाएँ। ठीक है, व्हाट्सअप पे जरूर से उस ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा जो भी आपका फाइनल ईयर का ग्रुप है। और दोस्तों इस वीडियो के देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना यार। तो मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।